जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। When certainty is born in these amber orioles, then it gives birth to give to the wings of Gabriel. बात यह है कि जब इस खाकी अंगारे यानी इंसान में यकीन ईमान की सिफ्त पैदा हो जाती है, तो वह जबराइल अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन की तरह कुदसी नफ्स और मकरबे बारगाहे खुदावंदी हो जाता है। इसे हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम जैसी बुलंद परवाजी अता हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शराहली सदरी व यसरली अमरी वालुकदतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फंक्शन कॉल की प्रैक्टिस करेंगे। फंक्शन कॉल से क्या मुराद है, फंक्शन कॉल कैसे काम करते हैं। अब ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है ताकि आपको फंक्शन कॉलिंग की समझ आ सके। चलें इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। अब इसमें बेसिकली मैंने तीन फंक्शन बनाए हैं और उन फंक्शन का काम जस्ट ये है कि एक एक आउटपुट को डिस्प्ले कर देना, कि जब भी वो फंक्शन एक्टिवेट होगा, जब भी वो फंक्शन इन्वोक होगा, जब भी वो फंक्शन कॉल होगा, तो क्या करेगा, उसके अंदर एक आउटपुट जो स्टेटमेंट गिवन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और आउटपुट स्टेटमेंट का काम होता है कि जो भी उसमें हमने दिया है वो स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले कर दे। आप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें देखेंगे हमारे पास बेसिकली तीन फंक्शन हैं। सबसे पहले तो हमने जो फंक्शंस हैं उनकी प्रोटोटाइप दी है। फंक्शन ये रिटर्न टाइप नथिंग वॉइड, फंक्शन का नाम शो ए, कोई पैरामीटर नहीं, हम इसको कोई वैल्यू नहीं भेज रहे और ना ही वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे। सिंपल सिंपल फंक्शन बनाए, वाइड शो बी, वाइड शो सी, ये प्रोटोटाइप है फंक्शन की। ठीक है, ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया और उसमें एक एक आउटपुट स्टेटमेंट है और या फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट है। अब इसकी वर्किंग कैसी होगी, जब हम प्रोग्राम को बना लेते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन के बाद ये तीनों फंक्शन डिफाइन किए, क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन हेडर कहलाता है या फंक्शन डिक्लेरेटर कहलाता है, तो फंक्शन डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम इसको प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल किधर आएगा, मेन फंक्शन। अब मेन में एक ही स्टेटमेंट है और जिसमें हमने फंक्शन को कॉल किया। अब हमने कौन से फंक्शन को कॉल किया है, शो सी को। तो जैसे ही फंक्शन कॉल, फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसके नाम से, शो सी पेरेंसिस, ठीक है। अगर इसके पैरामीटर होते कोई तो हमने यहाँ से आर्गुमेंट के जरिए वैल्यू भेजनी थी, लेकिन अब क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है तो इधर से हम कोई वैल्यू नहीं भेजेंगे, जस्ट बाय नेम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल मेन फंक्शन से जंप करके शो सी पे चला गया। अब शो सी में एक स्टेटमेंट है, सी फंक्शन इज कॉल्ड। ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये डिस्प्ले स्क्रीन है, तो यहां पे क्या प्रिंट आ जाएगा, सी फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, इसके बाद ये स्टेटमेंट चलने के बाद दूसरी स्टेटमेंट लिए आएगी, शो ए फंक्शन, यानी कि हम एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहां से कंट्रोल मूव करके शो ए पे चला गया। ठीक है, अब इसमें जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो क्या है, ए फंक्शन इज कॉल्ड। ये बैक स्लैश एन में लगा रहा हूं इधर, ताकि जो नई आउटपुट है वो न्यू लाइन में आए। ठीक है, अब यहां से कंट्रोल इधर आ गया। अब इसमें एक स्टेटमेंट ये है, यहां से कंट्रोल इधर आ गया, शो बी, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो
अब ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, बी फंक्शन इज कॉल्ड। अब इसमें कोई और स्टेटमेंट नहीं है, ये मुकम्मल हो गया है। कंट्रोल यहां से वापस यहां पे कोई काम करने वाला नहीं है फर्दर, ठीक है, यहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहां से कंट्रोल वापस इधर, इधर भी अभी कोई आ गया, स्टेटमेंट नहीं है, ये भी मुकम्मल हुआ हुआ, तो वापस कंट्रोल कहां पे आ गया, इधर से। अब इधर कोई स्टेटमेंट नहीं है, अगर स्टेटमेंट होती तो वो एग्जीक्यूट होती, तो स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट आएगी। तो इस तरीके से फंक्शन जो है कॉल काम करता है, कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो बेसिकली जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे कंट्रोल उस पे मूव कर देगा। यहाँ पे देखें, हमने शो सी को कॉल किया तो यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, यहाँ हमने शो ए को कॉल किया है तो यहाँ से कंट्रोल फंक्शन ए पे जंप कर गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमने शो बी को कॉल किया, यहाँ से कंट्रोल शो बी पे जंप कर गया। तो जिस तरीके से वो मूव कर रहा है वापस भी इसी तरह ही वो आ रहा है, कि जब इसका काम मुकम्मल हो गया है तो वापस वहीं पे गया जहां से वो कॉल हुआ था, उससे आगे अगर कोई स्टेटमेंट होती तो उसको रन करता। अब क्यों आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह अब जैसे शो ए जहां से कॉल हुआ था वहां पे कंट्रोल वापस जाएगा, यहाँ पे आगे फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं है इस फंक्शन के अंदर, लिहाजा शो सी जहां से कॉल हुआ है वहां पे कंट्रोल वापस जाएगा, और उससे आगे अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो उनको रन करेगा। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल काम करता है। चलो नेक्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो फंक्शन के मजीद जो एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।